मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, टेक्स मैसेज सेंड ना हो तो क्या करें। दोस्तों आप भी अपने फ़ोन से टेक्स मैसेज भेज रहे हैं और वो सेंड नहीं हो रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपकी जो प्रॉब्लम है 100% इस वीडियो में फिक्स करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ प्रूफ देख लीजिए, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की आ रही थी, सेंड एंड नॉट सेंड, टैप टू ट्राई अगेन और नॉट डिलीवर, या फिर यहाँ पे फील्ड हो जाता था बार बार, या फिर ट्रबल सेंडिंग हो जाता था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई भी एरर आ रहा है, आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पे मैं भेज के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखो फ़ोन है और यहाँ से मैं इस तरीके से टेक्स्ट मैसेज भेजूँगा इसी नंबर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाई भेजा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज सेंड हुआ, तो आप अभी देखेंगे इसमें मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हैं ये देखो मैसेज आ गया है। मैं फिर यहाँ से वेलकम भेजता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें भी वेलकम आ जाएगा। ठीक है, ये आप अभी देख पाएंगे, थोड़ा लेट आता है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा लेट आता है। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको अपने फ़ोन का जो पावर बटन है उसे आपको दबाना है, और यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन को रीबूट या फिर रीस्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि नोटिफिकेशन को इस तरीके से नीचे खींचना है। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड, उस पर आपको एक बार टैप करना है। थोड़ा आप वेट करेंगे, फिर से आपको उस पर टैप कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है दो काम सबसे पहले। अब आपको अपना मैसेज सेंड करके देखना है सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो फिर भी ना हो तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो रिचार्ज है कि नहीं है उस सिम पे। ठीक है, ये भी चेक कर लेना है, और यदि रिचार्ज है उस रिचार्ज के अंदर ये भी चेक करना है कि वहाँ पे आपने SMS वाला पैक प्लान ले रखा है कि नहीं रखा है। अगर आपने डेली का प्लान ले रखा है यानी कि अनलिमिटेड वाला, तो उसमें होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। लास्ट सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार दिखता है, इस पर क्लिक करना है। रीसेट ऑल डाल लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक सेटिंग खुल के आ जाएगी, रीसेट ऑल करके, या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना है। रीसेट करने से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है, और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क ही रीसेट कर देना है, इससे कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है, कनेक्शन या फिर मोबाइल नेटवर्क दिए उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर ही सिम मैनेजर और मोबाइल नेटवर्क, तो मैं मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करूँगा। मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको चेक करना है आपका यहाँ 5G फ़ोन है, तो 5G पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके इसे आप यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ से डाटा रोमिंग आप ऑन कर लीजिए। आप बैक जाएंगे, फिर आपको सिम मैनेजर पर जाना है। सिम मैनेजर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में दो सिम पड़ी हुई हैं, दो सिम लगी हैं, तो उस मैसेज वाली जो सिम है, आपके किस सिम में मैसेज हैं वो यहाँ सिम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे फ़ोन में एक ही सिम है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन इसीलिए नहीं खुल रहा है, अगर दो सिम होती तो ये ऑप्शन खुल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप SMS वाली सिम को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर मैसेज भेजेंगे, मैसेज जाएगा। ठीक है, देखो फिर भी ना जाए तो आपको फिर क्या करना है, जिस ये जो एप्लीकेशन है मैसेज वाला, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, या एक आई बटन या ऐप इनपो खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए ये बंद हो, तो इस तरीके से। उसके बाद एक स्टेप बैक जाइए, यहाँ पे परमिशंस हैं, सभी परमिशंस दे दीजिए। SMS की परमिशन तो बहुत ज़रूरी है देना, सभी परमिशंस दे दीजिए। उसके बाद देखेगा यहाँ पे इस तरीके से स्टोरेज क्लियर कैच कर दीजिए, और यहाँ से क्लियर डाटा कर दीजिए। क्लियर डाटा करने से कोई डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है तो ज़रूर बोल के जाइए, अगर नहीं हुई है तब भी आप बता के जाइए। जय हिंद।